मायावती के राजनीतिक वारिस के तौर पर फिलहाल उनके भतीजे आकाश को देखा जा रहा है। आकाश मायावती के भाई आनंद के बड़े बेटे हैं। साल 2018 से लगातार आकाश भी मायावती के साथ साये की तरह रहते हैं। बसपा की रैलियों से लेकर पार्टी नेताओं की बैठक में मायावती के साथ आकाश भी शामिल होते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में आगरा की रैली में उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से भाषण भी दिया था। बुधवार को ही बैठक में आकाश के कंधे पर हाथ रखकर मायावती ने एक बार फिर से बड़ा संदेश दिया है। यूं तो आकाश आनंद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के प्रभारी बनाए गए हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी भूमिका क्या होगी ये मायावती ही तय करेंगी। हालांकि 2023 से लेकर 2024 तक के तमाम चुनाव को लेकर उन्होंने पहली बैठक में ही खास इशारा दे दिया है। 2024 की चुनावी रणनीति वाली अहम मीटिंग में उन्होंने बता दिया कि बसपा की सियासी जमीन का नया आकाश कौन होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भतीजे आकाश आनंद के कंधे पर हाथ रखकर पार्टी नेताओं से रूबरू करवाया गया तो इसके मायने बहुत गहरे हैं। मायावती सियासत में अपने तेवरों के लिए जानी जाती है। कहते हैं कि वो समझौतों पर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर राजनीति करती है। हालांकि ये बहस का मुद्दा हो सकता है कि वो वक्त की नजाकत और अपनी सुविधा के हिसाब से सियासी फैसलों को मनचाहा मोड़ देती रहती हैं। फिर भी सार्वजनिक मंच पर इस बार मायावती ने न केवल बड़ा इशारा दिया है बल्कि एक तस्वीर के जरिए बहुत कुछ कह दिया है। 2014, 2019 और 2022 में बसपा अपने सबसे बुरे राजनीतिक दौर से गुजरती रही है। ऐसे में पार्टी को ऐसे नेता की जरूरत महसूस होने लगी जो कार्यकर्ताओं के बीच जा सके, अपने परंपरागत वोट बैंक से जुड़ सके और युवा वोट बैंक को जोड़ सके। इसके लिए मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को 2019 से सक्रिय किया। आकाश आनंद और मायावती के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव सबसे बड़ी कसौटी होंगे। ये चुनाव राष्ट्रीय फलक पर आकाश आनंद को विस्तार का मौका देंगे। मायावती ने उन्हें चुनावी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम का प्रभारी बनाया है। राजनीतिक दमखम वाले इस मौके को वो कितना भुना पाते हैं ये तो नतीजे ही बताएंगे, लेकिन ये भी सच है कि बसपा को कोई ऐसा चेहरा चाहिए था जो मायावती का विकल्प भले ही न हो लेकिन उनका सरपरस्त होकर पार्टी और वोटर्स के बीच की खाई को कम कर सके। आकाश आनंद के कंधे पर हाथ रखकर मायावती ने यह संदेश दिया है कि उन्हें अपना नया विश्वास पात्र और BSP को युवा नेतृत्व मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।